दिल्ली एयरपोर्ट पे गेट नंबर 8 के पास यहाँ पर टेस्ट होता है, RT-PCR टेस्ट। आप यहाँ पर आके टेस्ट करवा सकते हैं। फ्लाई दुबई वालों ने मुझे रोक लिया था। क्यों रोका? क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ दुबई और दुबई से सीधा जाऊँगा रशिया। रशिया की टिकट्स मैंने बुक कर ली थी, लेकिन रशिया से वापस आने की टिकट्स मैंने बुक नहीं की। इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग कैसे करते हो? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं? ये इम्पोर्टेंट बात पूछी है, तो आज मैं इस बात को क्लियर करूँगा इस वीडियो में कि भाई मेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं, मैं ट्रैवलिंग कैसे करता। मैं अभी एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ और मुझे पहुँचना है अपने होटल जो कि है बरदुबई में। और ये जो एयरपोर्ट है, यहाँ से सिर्फ बस जाती है या टैक्सी जाती है, मेट्रो नहीं है। मेट्रो दूसरे एयरपोर्ट से जाती है। सभी को नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 14 तारीख और आज हमारे ट्रिप की शुरुआत होने जा रही है। और मैं हूँ अभी दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे, न्यू दिल्ली, और यहाँ से जा रहे हैं हम एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 3 पे। तो चलिए चलते हैं। न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से हम पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 3 पर। और यहां पर पहुंचने के लिए हमारे लगे हैं 60 रुपीस। तो चलते हैं आगे जाकर, देखते हैं क्या बनता है फिर। ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। यहां से हमारे सफ़र की शुरुआत होने जा रही है आज। और मैं अभी जा रहा हूँ दुबई, और दुबई के बाद जाऊँगा रशिया। आपको पता ही होगा कि जो भी अभी सिचुएशन चल रही है कोविड की, तो फ्लाई करने से पहले हमें RT-PCR टेस्ट दिखाना होता है, तभी हमें फ्लाइट में चढ़ने दिया जाता है। तो उसके लिए आप एक दिन पहले भी अपना टेस्ट करवा सकते हैं अपनी सिटी से, जहाँ से भी आप हैं, और आप एयरपोर्ट पर आकर भी अपना टेस्ट करवा सकते हैं। और जो इसकी रिपोर्ट है वो आपको 3 या 4 घंटे के बीच में मिल जाएगी। और इसकी कॉस्ट है यहाँ पर, वो है 800 रुपये। मैंने चंडीगढ़ से करवाया था परसों और मेरे वहाँ पर लगे थे 900 रुपये। दिल्ली एयरपोर्ट पे गेट नंबर 8 के पास यहाँ पर टेस्ट होता है, RT-PCR टेस्ट। आप यहाँ पर आके टेस्ट करवा सकते हैं और 3 या 4 घंटे में अपनी रिपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो वो 48 आवर्स का कोविड का जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो आपके से मांगती हैं, और बहुत सी कंट्री 72 आवर्स की आपको रिपोर्ट मांगती है। मतलब उसके बीच में आपको वहाँ पर पहुँचना होता है। जब से आप अपना कोविड का सैंपल दोगे टेस्ट के लिए, उस समय से आपका टाइम शुरू हो जाएगा। तो उस समय से लेकर आपको 48 घंटे के बीच में आपको आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचना होगा। जैसे कि मैं अभी दुबई जा रहा हूं, तो दुबई में आप 72 आवर्स में जा सकते हैं, वहां पर वैलिड है 72 आवर्स के लिए आपकी कोविड की रिपोर्ट। और अगर आप यहां से करवाओगे, अगर आप एयरपोर्ट पर जल्दी आ जाते हैं, तो आपको 3 या 4 घंटे में भी रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर बाहर से करवाते हैं आप लोकल किसी भी अपनी लैब में, तो वो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट दे देंगे। और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे घर पर आकर भी वो सैंपल ले सकते हैं। मैंने जैसे कि चंडीगढ़ में जाकर अपना सैंपल दिया था पाथ काइंड लैब से। बहुत सी लैब्स हैं जो टेस्ट करती हैं कोविड का, और उनके हर एक के चार्जेस हैं जो वो अलग अलग हैं, और मैंने दिए थे 900 रुपये। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर, और बाद में आपसे बात करते हूँ कि क्या क्या अंदर प्रोसीजर था, क्योंकि बहुत कुछ अभी चेंज हो चुका है कोविड की वजह से।
तो चलिए चलते हैं अंदर। कोविड टेस्ट के बारे में एक बात और मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने भी बहुत सर्च किया, बहुत लोगों की वीडियोस भी देखी कि कहीं तो मुझे ये जानकारी मिलेगी, लेकिन कहीं पर भी ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला। क्योंकि जैसे कि मेरी जो फ़्लाइट है अभी आज सुबह 11 बजे की है और मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब से आने वाले लोगों को रात को ही चलना पड़ता है और तब जाकर हम सुबह एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि क्या जो टेस्ट यहाँ पर PCR टेस्ट है जो एयरपोर्ट पर होता है, क्या वो रात को भी टेस्ट करते हैं? क्योंकि अगर हम बाहर से करवाएंगे तो 24 घंटे के बाद ही हमें रिपोर्ट मिलती है, तो एयरपोर्ट पर हमें 3 या 4 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है। तो मेरा यही सवाल था कि क्या रात को भी हम अपना टेस्ट करवा सकते हैं और हमें रिपोर्ट मिल जाएगी? तो ये बात मुझे कहीं से नहीं मिली, तो मैंने अभी पूछा उनसे। तो जो इनकी जो फैसिलिटी है टेस्ट की, ये डे नाइट है, आप किसी भी टाइम आकर अपना टेस्ट करवा सकते हैं और 4 घंटे में अपनी रिपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमें। क्योंकि जैसे कि हम दूर से आ रहे हैं तो जो रिपोर्ट है उसका टाइम थोड़ा निकलना शुरू हो जाता है, तो अगर यहाँ से कराएंगे तो हमारे पास काफ़ी समय होगा अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने का। तो इस बात को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, अगर आप RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर करवाना चाहते हैं तो 24 घंटे आप यहाँ पर आकर अपना टेस्ट करवा सकते हैं। ऑल प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं अभी फूड कोर्ट में आ चुका हूँ। थोड़ी भूख लगी है, पहले थोड़ा खाते हैं यहाँ से, फिर बाद में आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि फ्लाइट दुबई ने मुझे रोक लिया था। करीबन आधा घंटा तक मुझे वहाँ पर रोक कर रखा, पूछताछ की उन्होंने मुझसे, तो मैं आपको बैठ कर बताऊँगा कि क्या क्या सवाल जवाब मेरे से उन्होंने पूछे। भाई खाना पीना हमारा हो चुका है, अब चलते हैं अपने गेट की तरफ, और मेरा गेट नंबर है 12। थोड़ी दूर है यहाँ से, तो जाकर वहाँ पर आराम से बैठते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको मुझे बतानी थी, और फिर उसके बाद मैं आपको मिलूँगा सीधा जाकर दुबई। तो अब मैं अपने गेट के पास पहुँच चुका हूँ, अब कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, मैं आराम से आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़्लाइट दुबई वालों ने मुझे रोक लिया था। क्यों रोका? क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ दुबई और दुबई से सीधा जाऊँगा रशिया। रशिया की टिकट्स मैंने बुक कर ली थी, लेकिन रशिया से वापस आने की टिकट्स मैंने बुक नहीं की है, क्योंकि मेरे पास यूक्रेन का भी वीज़ा है और मैंने आर्मेनिया का वीज़ा भी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन जिसका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, प्रोग्रेस में चल रहा है। तो मैं अभी कन्फ्यूज्ड हूँ थोड़ा सा कि पहले आर्मेनिया जाऊँगा या यूक्रेन जाऊँगा, इस वजह से मैंने अपनी आगे की फ़्लाइट टिकट्स बुक नहीं की है। तो इनका कहना ये था कि आप जहाँ भी मर्जी जा रहे हो, लेकिन आपके पास वापस इंडिया आने की टिकट्स होने चाहिए। तो मैं इनको यही समझा रहा था कि यार मैं 1-1.5 महीने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं अभी तुम बोलो यार थैंक यू। तो मैं अपना तो 12 है यार गेट नंबर। तो मैं इनको यही बता रहा था कि यार मैं 1-1.5 महीने के लिए जा रहा हूँ, तो इतनी पहले मैं कैसे बुकिंग करवा लूँ, क्योंकि अब जब मेरा कोई कन्फर्म्ड ही नहीं है कि पहले मैं कौन सी कंट्री में जाऊँगा, यूक्रेन जाऊँगा या आर्मेनिया जाऊँगा, क्योंकि आर्मेनिया का वीज़ा मेरे पास अभी आया नहीं है। तो ये बोले कि हमें नहीं पता, बस आपके पास इंडिया वापस आने की टिकट्स होने चाहिए। चलो
बातचीत करते रहे, तो मैंने इनको वीज़ा वगैरह दिखाया रशिया का, और मुझे एक बेनिफिट हुआ कि मेरे पास पहले शेंगेन वीज़ा था, मैं 2019 में शेंगेन में ट्रैवल कर चुका हूँ, तो उन्होंने वो वीज़ा दिखा तो थोड़ा सा उनको लगा कि यार ये पहले भी जा चुका है तो अब ऐसा थोड़ा नहीं करेगा, कि क्योंकि जाते रहे होता है कि रशिया से या यूक्रेन से लोग आगे निकलते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा, मैंने बोला कि नहीं मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, बट मेरे पास SBI का ग्लोबल कार्ड है, वो कहीं भी काम करेगा चलेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है दिखाओ अपना कार्ड, मैंने उनको कार्ड दिखाया, कार्ड देखने के बाद उन्होंने सारा कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा फिर से चेक कर कर फिर उन्होंने मुझे मेरा बोर्डिंग पास दिया। अब मेरे पास ये मेरा बोर्डिंग पास मिल चुका है, और फिर बारी आती है अपनी इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन वालों ने भी मुझसे यही सवाल किए, पूछा कि वापस कब आओगे, मैंने बोला 1 महीने के बाद, तो बोले 1 महीना कहाँ रहोगे, मैंने बोला इसके बाद मैं रशिया जा रहा हूँ। ओके क्या करने जा रहे हो, घूमने जा रहा हूँ, क्या करते हो, मैंने बोला कि ट्रैवलर हूँ, वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब के लिए। ओके यूट्यूब आपको क्या देता है, मैंने बोला यूट्यूब पैसे देता है, हालांकि मेरे पास अभी यूट्यूब ने कोई भी पैसा नहीं दिया मुझे, कोई पैसा नहीं आया है मुझे। तो अच्छा फिर बोले ठीक है, स्टैम्प मारी और मैं आ गया। एक मिनट के लिए तो मुझे लगा था कि यार मुझे ये नहीं जाने देंगे, मुझे शायद टिकट्स बुक करनी पड़ेगी, अगर मैं आज ही टिकट्स बुक कर लेता तो पता नहीं कहाँ की करता यार, क्योंकि यूक्रेन का अभी भी क्वेश्चन मार्क ही है, क्योंकि जितने भी लोगों की हमने वीडियोज़ देखी है सबका ऐसे ही रहा कि डिपोर्ट हो गए। तो इसलिए मैंने अभी वैसे यूक्रेन की टिकट्स बुक नहीं की है, दुबई जाकर देखता हूँ आगे मेरे साथ क्या होगा, वहाँ पर इमिग्रेशन पे क्या कुछ पूछेंगे क्या कुछ नहीं। अभी किसका फोन आ गया, आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आए थे, और मुझे लगता है जो मेरे नॉन मेरे फ्रेंड हैं शायद उनके मन में भी ये क्वेश्चन ज़रूर होगा। तो क्वेश्चन ये था कि भाई तुम इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग कैसे करते हो, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात पूछी है। तो आज मैं इस बात को क्लियर करूँगा इस वीडियो में कि भाई मेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं, मैं ट्रैवलिंग कैसे करता हूँ। तो वैसे तो मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब है मेरी, बट जहाँ पर जॉब करता हूँ जो मेरी जॉब है जो वहाँ से मुझे सैलरी मिलती है, उस सैलरी से तो मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता। मैं अपनी सैलरी तो नहीं बताऊँगा कि कितनी है, बट आप इतना अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस सैलरी से मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता। तो पैसे आते कहाँ से मेरे पास दोस्तों, ऐसा है कि आप जैसे मेरे दोस्त हैं कुछ जो बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं, लाइक ब्रदर की तरह हैं, तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और जो चाहते हैं कि हमारा चैनल अच्छे से चले और हम भी अपने चैनल को एक मुकाम पर लेकर चलें। यार बार बार ये बोलते हैं। क्योंकि वो भी चाहते कृपया ध्यान दें, आपसे अनुरोध है कि सामाजिक दूरी का सम्मान करें। भाई दूरी बना के रखो यार। सुखद यात्रा की शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। तो भाई मेरे दोस्त हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा चैनल अच्छे से चले, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा बट उनको भी बताया कि मैं कैसे थैंक यू करूँ यार उनका, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और दूसरे नंबर पे बात आती है छुट्टियों की, क्योंकि प्राइवेट जॉब में छुट्टी लेना बहुत मुश्किल होता है भाई। एक दिन की छुट्टी लेनी हो ना तो आपको हफ्ता पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। थैंक यू टू माई बॉस जो मेरे सीनियर हैं, वो मुझे समझते हैं, मैं जितनी बार भी गया हूँ छुट्टी लेकर गया हूँ मेरी छुट्टी को अप्रूव करते हैं, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में छुट्टी देना लेना बहुत मुश्किल होता है। तो थैंक यू सर कि आप मुझे छुट्टी मेरी अप्रूव कर देते हैं, तभी मैं इतना ज़्यादा घूम पाता हूँ, नहीं तो मेरे लिए ये भी एक बहुत मुश्किल काम होता। और ये तो थी मेरी पैसों की बात कि मैं कैसे ट्रैवलिंग करता हूँ, और मैं एक बजट ट्रैवलर हूँ, इतना ज़्यादा खर्च नहीं करता हूँ भाई। और अब मैं ये सब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा 1 महीने का ये ट्रिप है, डेली मैं वीडियोस डालता रहूँगा। प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करें,
और कमेंट कर जरूर बताएं यार आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में, क्या अच्छा नहीं लगा, प्लीज़ यार ज़रूर बताए कीजिए। और अगर आप हमारी लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं, क्योंकि वीडियोज़ तो आपको एक दो दिन के बाद ही देखने को मिलेगी, तो जो भी हमारी अपडेट रहेगी वो इंस्टाग्राम पर रहेगी। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर प्लीज़ यार इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारी एक वेबसाइट भी है, हमने वेबसाइट भी बनाई है, अगर आप दिल से हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ यार एक बार हमारी वेबसाइट पर जाकर ज़रूर लॉगिन हो जाइए। बस वेबसाइट खोल कर देख लें यार, उसमें जितने भी ट्रिप्स हैं, वीज़ा कैसे लगवाना है, ऐसे ही सभी आर्टिकल्स मैंने डाल रखे हैं वहाँ पर भी। जो भी हमारी आगे आने वाली वीडियोस होंगी वो सभी के आर्टिकल्स मैं उस अपनी जो वेबसाइट है उस पर डालूंगा। वेबसाइट का नाम है thetravelerking.world, उसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है, तो प्लीज़ एक बार खोल कर ज़रूर देख लें यार। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करना तो यार मत भूल लें यार, प्लीज़ अब मुझे बहुत ज़रूरत है भाई, प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो अभी टाइम है मेरे पास, तो थोड़ा देखते हैं, चलते हैं, रेस्ट करते हैं और उसके बाद चलते हैं दुबई। दुबई जाकर देखते हैं हमारे साथ क्या होता है इमिग्रेशन पर, क्या वो भी हमसे रिटर्न टिकट्स मांगते हैं या नहीं। अगर मांगी तो यार मुझे वहाँ पर करनी पड़ेगी यार, मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि एक महीना यार पड़ा है मेरा, मैं वापस आऊँगा तो इतनी जल्दी नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं वो रिफ़ंड भी करूँगा तो चार्जेस कट जाएंगे यार, अगर नॉन जो रिफंडेबल टिकट्स होती है वो करूँगा वो बहुत महंगी मिलेगी मुझे, इतना ज़्यादा अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरे पास वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है यार, तो प्लीज़ आप बस सपोर्ट करें यार, थैंक यू। वेलकम टू दुबई। हाँ वैसे मुझे लगता था कि यार यहाँ पर थोड़ी परेशानी करेंगे, जैसे कि इंडिया में इन्होंने किया था, वो मेरी वापसी की टिकट मांग रहे थे ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था, कोई भी उन्होंने मुझसे पूछा नहीं टिकट्स वगैरह, सिंपल वीज़ा देखा, पासपोर्ट देखा, उस टाइम मरी चलो जी जाओ आगे। और मैं अभी पहुँचा हूँ ATM पे, देखते हैं पैसे निकलवा कर देखते हैं यहाँ से, और यहाँ से मुझे जाना अपने होटल कैसे जाएंगे वो भी देखते हैं। वैसे तो यहाँ पर सिम कार्ड के भी शॉप्स हैं, बट हम सिम कार्ड यहाँ से नहीं लेंगे, हम बाहर से लेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट पे हमें महंगी मिलेगी। पहले थोड़े से पैसे निकलवा लेते हैं, ये मेरे पास है, चल भाई कार्ड नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ये, भैया बोलिए दिस मशीन इज़ टेम्परेली आउट ऑफ सर्विस, मैंने ये देखे नहीं, ये मशीन आउट ऑफ सर्विस है, तो कई दूसरी मशीन देखता हूँ यहाँ पर, अगर तो कोई दूसरी मशीन हो उससे निकलवा कर चेक करते हैं, नहीं तो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं उनसे काम चला लूँगा यहाँ से, फिर बाहर जाकर पैसे विड्रॉ कर लेंगे हम किसी ATM से। चलिए देखते हैं कोई अगर दूसरा ATM मिलता है यहाँ पर।
यहाँ पे कोई दूसरा एटीएम ही नहीं है यार, एक ही एटीएम की मशीन है सिर्फ, एचसीबीसी एटीएम। मैं अभी एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ और मुझे पहुँचना है अपने होटल जो कि है बर दुबई में। और ये जो एयरपोर्ट है यहाँ से सिर्फ बस जाती है या टैक्सी जाती है, मेट्रो नहीं है, मेट्रो दूसरे एयरपोर्ट से जाती है जो दूसरी तरफ है, उसका नाम नहीं मुझे पता यार। और बस के लिए आपके पास कार्ड होना चाहिए जो फ़िलहाल मेरे पास अभी नहीं है। कार्ड के बिना आप सफ़र नहीं कर सकते हैं, ना ही मेट्रो में ना ही बस में। इंग्लिश नोल कार्ड्स रेगुलर एंड गोल्ड अच्छा, जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि ग्रीन लाइन पे नहीं जाना है, ये आप देख सकते हैं, सॉरी पिंक लाइन, ये वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए है ओनली। अगर आप इस तरफ जाओगे तो आपको भारी जुर्माना पे करना पड़ सकता है दोस्त, बच के थोड़ा सा।